एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न नंबर पहला है निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए ऐसे बहुत से प्रश्न आप देखेंगे जिसमें आपको एक परिमय संख्या दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस संख्या को आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए तो आइए देखते हैं हमारे पास संख्या है सात बटा चार इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए देखिए हमने यहां पर एक संख्या रेखा बनाई है इस संख्या रेखा पर बच्चों आपने ये ध्यान देना है कि यदि आपका जो नंबर पॉजिटिव है यानी धनात्मक है जिसके आगे कोई निशान नहीं है यानी यह धनात्मक है सात बटा चार तो आपने क्या करना है इस एक संख्या रेखा बनाकर उसके लेफ्ट साइड पर एक मार्क लगाना है जीरो यदि यह संख्या माइनस की होती तो हम ये मार्क जीरो इधर लेते क्योंकि बाकी संख्या जो है वो इधर को आएगी तो अब हमें बनाना है इस पर सात बटा चार ध्यान से देखेगा कि हमने देखना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या है सात तो अभी हम इस पर सात निशान सबसे पहले बनाएंगे और एक दूसरे से बराबर दूरी पर बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात और अब हम क्या करेंगे इन्हें क्योंकि हर में चार है इसलिए हम इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे एक बटा चार दो बटा चार तीन बटा चार चार बटा चार पांच बटा चार छ बटा चार सात बटा चार इसमें से ये जो ये जो चार बटा चार है ये आपस में चार और चार कट जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एक और हमें मार्क करना है सात बटा चार तो इस संख्या रेखा पर ये आखिर में है सात बटा चार इस डॉट को थोड़ा सा अंकित करके और हम इसे सर्कल कर देंगे तो इस प्रकार से हमने इस संख्या रेखा पर सात बटा चार बिंदु को अंकित कर दिया है दोबारा देखिए हमें संख्या दी गई थी सात बटा चार हमने संख्या रेखा सबसे पहले फुट्टे के साथ बच्चों और फुट्टे और पेंसिल से भी ये बनाना है संख्या रेखा एक हमने फुट्टे की मदद से बनाई और क्योंकि यह पॉजिटिव संख्या थी इसलिए जीरो आएगा लेफ्ट साइड पर ताकि बाकी पॉजिटिव संख्याएं इसके राइट साइड पर जीरो के राइट साइड पे हों उसके बाद हमने देखा सात और चार दोनों में से सात बड़ा है तो हमने इस पर बराबर दूरी पर आई रिपीट बराबर दूरी पर सात निशान लगाए हैं और हमने इनको लिखा हर चार थी इसलिए एक बटा चार दो बटा चार तीन बटा चार चार बटा चार पांच बटा चार छह बटा चार और सात बटा चार चार से चार कट जाएगा इसलिए चार बटा चार को हम एक लिखेंगे यह एक दूरी एक यूनिट दूरी है और उसके बाद ये जो सात चार है इस बिंदु को अंकित करके और हम सर्कल कर देंगे ये सात चार हमने संख्या रेखा पर सात चार को निरूपित कर दिया है आइए एक और उदाहरण देखें हमारे पास एक उदाहरण है माइनस पांच बटा छे जैसा कि आप देख रहे हैं ये संख्या माइनस की है तो अब हम क्या करेंगे जीरो इस संख्या रेखा पर ले लेंगे इस साइड क्योंकि माइनस की संख्या है तो जीरो से लेफ्ट साइड को होंगी सारी संख्याएं इसलिए हम इसे ले लेंगे जीरो पांच और छह में से क्योंकि छह बड़ा है तो हम छह मार्क लगाएंगे बराबर दूरी पर लगाएंगे एक दो तीन चार पांच और छ मैंने ये बराबर दूरी पर लगाए हैं और उसके बाद पहला जो पॉइंट होगा वो होगा माइनस एक बटा छ दूसरा होगा माइनस दो बटा छ तीसरा होगा माइनस तीन बटा छ चौथा होगा माइनस चार बटा छ पांचवा होगा माइनस पांच बटा छ और छठा होगा माइनस छ बटा छह से जाएगा इसलिए इस बिंदु को हम देंगे वन ये एक यूनिट हो गया और इसमें से ये देखिए हमें निकालना है हमें निरूपित करना था माइनस पांच बटा छ तो माइनस पांच बटा छ का यह बिंदु है इसे हम डॉटेड या पूरे सर्कल से अंकित कर देंगे तो इस प्रकार से हमने माइनस पांच बटा छ को एक संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है ये बहुत आसान काम है आइए हम इसका एक उदाहरण और देखेंगे अब हमें क्या कहा गया है देखिए माइनस दो बटा ग्यारह माइनस पांच बटा ग्यारह माइनस नौ बटा ग्यारह को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए तो हमने यहां पर एक संख्या रेखा बनाई है क्योंकि ये संख्याएं सारी माइनस की है इसलिए जीरो ले लेंगे हम यहां पर और यहां देखिये आप माइनस दो ग्यारह माइनस पांच बटा ग्यारह माइनस नौ बटा ग्यारह इनमें सबसे बड़ा नंबर है ग्यारह तो यहां पर हम ग्यारह निशान लगाएंगे बराबर दूरी पर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह इसे देंगे माइनस एक बटा ग्यारह माइनस दो बटा ग्यारह माइनस तीन बटा ग्यारह माइनस चार बटा ग्यारह माइनस पांच बटा ग्यारह माइनस बटा ग्यारह माइनस सात बटा ग्यारह माइनस आठ बटा ग्यारह माइनस नौ बटा ग्यारह माइनस दस बटा ग्यारह और माइनस ग्यारह बटा ग्यारह ग्यारह से ग्यारह कट जाएगा इसलिए इसको देंगे एक नंबर अब हमें देखिए संख्या रेखा पर निरूपित करना था माइनस दो बटा ग्यारह तो ये देखिए ये है माइनस दो बटा ग्यारह इस बिंदु को अंकित करेंगे और हम डॉटेड सर्कल से इसे मार्क कर देंगे उसके बाद है माइनस पांच बटा ग्यारह देखिये ये माइनस पांच बटा ग्यारह का बिंदु इस बिंदु को भी हम अंकित करेंगे पेंसिल के साथ ही आपने ये सारा काम करना है और इसे भी हम इस तरह से अंकित कर देंगे उसके बाद है माइनस नौ बटा ग्यारह ये देखिये पांच छह सात माइनस आठ माइनस नौ इस बिंदु को अंकित करके और इसे हम डॉटेड सर्कल के साथ मार्क कर देंगे तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर माइनस दो बटा ग्यारह माइनस पांच बटा ग्यारह और माइनस नौ बटा ग्यारह को अंकित कर दिया है